उत्तर प्रदेश के मीरगंज में पुलिस की लापरवाही से करीब 5 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। दरअसल नेशनल हाईवे 24 पर दौड़ लगा रहे एक छात्र को ट्रक ने कुचल दिया था, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया और मौके पर दर्जनों थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर के जाम खुलवाया गया। जब हम दौड़ लगाने गए थे तो वहाँ से हम करीब अपने डंडेटा फाटक है हमारी, वहाँ तक गए थे दौड़ लगाने। वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, एक बंदे को हमारे साथ के वाले को ट्रक ने मार दिया, टक्कर एक्सीडेंट कर दिया। फिर उसके बाद में हम पुलिस वाले के पास दौड़ के गए हम सब लोग, तो उनने बोला आए दिन ये होता रहता है, हमारा काम नहीं है, 100 नंबर का काम है। उसके बाद हमने उसे पीछा करा, फिर उनके पास पहुंचे। अच्छा। सर एक बार पकड़ लो ट्रक, टोल टैक्स पे पकड़ सकते हैं। अच्छा। बोले नहीं ये 100 नंबर का काम, हमारे बस की बात नहीं है। सहानुभूत है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लिखा जाएगा कि अधिक से अधिक उनको सहायता मिले, और हिट एंड रन के केस क्योंकि ये बन रहा है तो FIR दर्ज करके हिट एंड रन में जो भी सहायता उनको मिल सकती है वो दिलवाया जाएगा। इसके अलावा पट्टे की बात हुई है वो ग्राम प्रधान के ऊपर है, प्रस्ताव करेंगे वो तहसील स्तर। यूपी के शाहजहांपुर की जिला कारागार के गटर में एक कैदी की लाश मिली है। कैदी की मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं जेल के गटर में कैदी की लाश मिलने से जेल में हड़कंप मच गया। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और कैदियों ने मिलकर उसकी लाश को गटर से बाहर निकाला। फिलहाल आनन फानन में जेल प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाकर कैदी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ डॉक्टर्स ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जाँच थाना सदर बाजार पुलिस के हवाले कर दी गई है। यूपी के बड़ौत में बामनोली गांव में एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल किसान की 8 बीघा जमीन चकबंदी में चली गई और उसके पास परिवार चलाने का कोई साधन नहीं था। किसान ने जमीन वापसी को लेकर DM से लेकर CM तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। घटना के बाद से पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई है। वजह ये आ गई थी, 2 साल हो गई चकबंदी आई थी, चकबंदी में हमारे खेत को दूसरों ने कब्जा कर लिया, मतलब फिर हमने उसका डिप्टी का मुकदमा करा। नहीं कोई यही तो बात हुई थी खेत कटवाने की, इसकी जमीन की, इसमें जी इतने दिन हो गए और परेशान इतने हो रहे थे, खेत को नहीं बोना दे थे, जब वे आकर लेते हाँ जी पता चला मुझे तो जमीन की टेंशन में जहर खाया उन्होंने। बागपत के टांडा गांव में 13 दिन पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर जलाई गई विवाहिता की मौत हो गई है। विवाहिता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। विवाहिता की मौत होने से उसके परिवार में कोहराम मच गया। वहीं इस प्रकरण में विवाहिता के परिजनों ने दहेज लोभी 5 ससुराल वालों के खिलाफ छपरौली थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक 2 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। लड़की दिल्ली में दे रही इलाज थी, इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई और ये संज्ञान में आया कि वहाँ उसका DD भी कराया गया है और उसके मृत्यु से संबंधित जो दस्तावेज हैं पोस्टमार्टम पंचायतनामा ये वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं हम।